नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बिहारी नॉनस्टॉप न्यूज में। तो चलिए बिहार की 10 प्रमुख बड़ी खबरों को जानते हैं। तो खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। बिहार में सातवें चरण की शिक्षक बहाली को लेकर अभ्यर्थियों का प्रदर्शन, पटना के आयकर गोलंबर पर नारेबाजी। बिहार में पर्यटन स्थलों पर बनेंगे सेल्फी पॉइंट, विभाग ने जगह चिन्हित कर सभी जिलों से मांगी रिपोर्ट। पटना में नया समाहरणालय भवन बनने का रास्ता साफ, ग्राउंड प्लस 5 फ्लोर की होगी बिल्डिंग, सुप्रीम कोर्ट ने दी अनुमति। अब IGIMS में हो सकेगा हार्ट ट्रांसप्लांटेशन, जल्द बहाल होगी सुविधा। बिहार में जमीन रजिस्ट्री के लिए बड़ा बदलाव, कातिब की भूमिका खत्म। गृह मंत्री अमित शाह से मिले मंत्री नितिन नवीन, बढ़ेगी इंडो नेपाल सीमा सड़क की चौड़ाई। GNM कॉलेज के छात्रावास में शॉर्ट सर्किट से लगी भीषण आग, छात्राओं की बची जान। बिहार में 48 घंटे में गरज के साथ बारिश के आसार, तापमान में 4 डिग्री तक होगी बढ़ोतरी। सातवें चरण की शिक्षक बहाली के मुद्दे को लेकर बड़ी संख्या में अभ्यर्थी पटना की सड़कों पर उतरे थे। सातवें चरण की बहाली की मांग को लेकर जमकर विरोध प्रदर्शन किया गया। राजधानी के इनकम टैक्स गोलंबर पर शिक्षक अभ्यर्थी जुटे और अपनी मांग को लेकर नारेबाजी की। प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों ने शिक्षा मंत्री के खिलाफ भी नारे लगाए। शनिवार को पटना के आयकर गोलंबर के पास बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी अभ्यर्थी जुटे। किसी ने सिर पर काली पट्टी तो किसी ने मुंह पर काली पट्टी बांध कर रखा था। इस दौरान शिक्षा मंत्री के खिलाफ नारेबाजी भी की गई, वहीं शिक्षा मंत्री का पुतला भी जलाया गया। अभ्यर्थी बिहार में सातवें चरण की शिक्षक बहाली को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। बता दें कि ये प्रदर्शनकारी पिछले कुछ दिनों से अपनी मांग को लेकर विरोध जता रहे हैं। अलग अलग तरीके से ये अपनी मांगे रख रहे हैं। सरकार छठे दौर के नियोजन प्रक्रिया को खत्म होने के बाद सातवें फेज की प्रक्रिया शुरू करने की बात करती है, लेकिन इन अभ्यर्थियों की मांग ये है कि ये प्रक्रिया जल्द शुरू की जाए। CTET और BTET अभ्यर्थी अपनी मांगों को लेकर सड़क पर उतरे थे। बिहार राज्य के विभिन्न जिलों में देश विदेश से आए पर्यटकों के लिए पर्यटन विभाग ने सभी पर्यटक स्थल पर सेल्फी पॉइंट बनाने का निर्णय लिया है। इसको लेकर सभी जिलों को दिशा निर्देश दिया गया है कि ताकि सभी पर्यटन स्थलों पर अलग अलग तरह के सेल्फी पॉइंट बनाया जा सके, जो पर्यटकों को आकर्षित कर सके। फिलहाल राजगीर के पांडू पोखर में एक सेल्फी पॉइंट बना है, जहाँ पर्यटक जाकर तस्वीर खींचते हैं। पर्यटन विभाग का सभी पर्यटन स्थल पर सेल्फी पॉइंट बनाने के पीछे एक मुख्य मकसद यह है कि पर्यटक उस सेल्फी पॉइंट पर जाकर फोटो खींच सके और जब उस तस्वीर को अपने फेसबुक, ट्विटर या इंस्टाग्राम पर अपलोड करेंगे तो बिहार के पर्यटन स्थलों की ब्रांडिंग होगी। विभाग पर्यटन स्थल की ब्रांडिंग करने के लिए कई योजनाएं बनाकर काम कर रहा है। इसी कड़ी में इस तरह से बिहार के सभी पर्यटन स्थलों को सोशल मीडिया से जोड़ने का निर्णय लिया गया है। पटना के नए समाहरणालय भवन परिसर के निर्माण का रास्ता साफ हो गया है। प्रमंडलीय आयुक्त कार्यालय की ओर से जारी सूचना के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने इसके निर्माण को हरी झंडी दे दी है। निर्माण कार्य को लेकर पटना हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया था। विरोध करने वालों का तर्क था कि पुराना समाहरणालय एक हेरिटेज बिल्डिंग है जिसे तोड़ना नहीं चाहिए और संरक्षित करने की जरूरत है। फैसले के बाद शुक्रवार को भवन निर्माण विभाग के सचिव और पटना प्रमंडल के आयुक्त कुमार रवि ने कार्यपालक अभियंता, निर्माण प्रमंडल वन और इससे जुड़ी एजेंसी को अविलंब कार्य शुरू करने का निर्देश दिया है। निर्माण कार्य शुरू होने के बाद इसके परिसर में चल रहे तीनों कार्यालयों को शिफ्ट करना होगा। इसमें अनुमंडल कार्यालय, समाहरणालय कोषागार, अभिलेखागार शामिल है। विकास भवन को तोड़ने की योजना नहीं है, इससे DDC कार्यालय विकास भवन में ही चलेगा। नए भवन में 39 विभागों को जगह मिलेगी। 3484 वर्ग फुट का गार्डन होगा। 3 कॉन्फ्रेंस हॉल बनेंगे और छत पर सोलर पैनल लगेगा। हार्ट के मरीजों की सबसे बड़ी समस्या होती है कि अगर उन्हें हार्ट ट्रांसप्लांट कराना पड़े तो बिहार के बाहर जाना पड़ता है। अक्सर मरीज दिल्ली और मुंबई जाकर अपना हार्ट ट्रांसप्लांट कराते हैं, लेकिन अब उन्हें और फजीहत नहीं झेलनी पड़ेगी। IGIMS में जल्द ही हार्ट ट्रांसप्लांट की सुविधा मिल जाएगी। मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर मनीष मंडल ने जानकारी दी है कि बिहार सरकार की ओर से 5 साल के लिए लाइसेंस जारी कर दिया गया है। साथ ही उन्होंने बताया कि हार्ट ट्रांसप्लांट शुरू करने की प्रक्रिया भी जारी है, इसके लिए तैयारी की जाने लगी। लाइसेंस मिलने का इंतजार किया जा रहा था। फिलहाल एक हार्ट लंग मशीन है और एक मशीन की जरूरत होगी, इसके बाद मरीजों का हार्ट ट्रांसप्लांट शुरू कर दिया जाएगा। बिहार वासियों के लिए यह किसी खुशखबरी से कम नहीं है। राज्य में पहली बार हार्ट ट्रांसप्लांट की सुविधा मिलने वाली है। यह तभी संभव हो पाएगा जब किसी ब्रांडेड मरीज से हार्ट मिले, इसके लिए कई विशेष तैयारियां की जा रही है। परिजन ब्रांडेड मरीज के अंग डोनेट करें और इसके लिए प्रचार अभियान चलाया जा रहा है।
नीतीश सरकार ने जमीन रजिस्ट्री की दिशा में एक बड़ा बदलाव किया है। राज्य सरकार ने कातिब की भूमिका को जमीन रजिस्ट्री से खत्म कर दिया है। अब जमीन की खरीद बिक्री करने वाले खुद मॉडल डीड भरकर इसकी रजिस्ट्री करा सकते हैं। रजिस्ट्री ऑफिस में जमीन फ्लैट की रजिस्ट्री में कातिब की भूमिका खत्म होगी। अब राज्य के 125 निबंधन कार्यालयों में 20% रजिस्ट्री मॉडल डीड से करना अनिवार्य कर दिया है। आने वाले समय में इसे बढ़ाकर 100 करने की योजना है। इस पहल में जमीन या किसी अन्य तरह की संपत्ति की रजिस्ट्री करवाने में लोगों को सहूलियत होगी। कातिब या ऑफिस खर्च के नाम पर लगने वाली राशि से मुक्त मिल जाएगी। अब लोग खुद मॉडल डीड भरकर निबंधन करवा सकते हैं। आमतौर पर निबंधन कार्यालय में एक डीड रजिस्टर करवाने में कातिब 2,000 से 5,000 रुपये तक शुल्क लेता है। वर्ष 2021-22 में करीब 12 लाख डीड रजिस्टर्ड हुए हैं। निबंधन विभाग के इस पहल से बिना कातिब की मदद से खुद डीड तैयार कर रजिस्ट्री करवा सकते हैं। इसके लिए एक तरफ जहां जिला निबंधन कार्यालयों में हेल्प डेस्क बनाए गए हैं, वहीं निबंधन विभाग की वेबसाइट पर इसके लिए मॉडल डीड भी अपलोड किया गया है। मॉडल डीड पर रजिस्ट्री संबंधी बेसिक जानकारी, खाता, खेसरा और नाम पता आदि भरकर निबंधन के लिए दस्तावेज तैयार किया जा सकता है। बिहार सरकार के पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने बीते शनिवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने इंडो नेपाल सीमा सड़क के निर्माण कार्य को लेकर गृह मंत्री से बातचीत की। नितिन नवीन ने गृह मंत्री से इंडो नेपाल सीमा सड़क की चौड़ाई को बढ़ाने का अनुरोध किया। गृह मंत्री अमित शाह ने मंत्री नितिन नवीन के सुझाव पर विचार करने की बात कही है। दरअसल बिहार में इंडो नेपाल सीमा पर SSB को बॉर्डर आउट पोस्ट तक पहुँचाने के लिए एक सुगम मार्ग उपलब्ध कराने एवं सीमा पर चौकसी बढ़ाने को लेकर भारत सरकार द्वारा इंडो नेपाल बॉर्डर रोड का निर्माण कराया जा रहा है। इस परियोजना के अंतर्गत 552 किलोमीटर लंबाई में 4 लेन का सड़क का निर्माण किया जा रहा है, जिसकी चौड़ाई 7 मीटर है और वर्तमान में 393 किलोमीटर में मिट्टी कार्य तथा 184 किलोमीटर में बिटुमिनस कार्य पूर्ण किया जा चुका है। नितिन नवीन ने बताया कि भारत सरकार द्वारा अब तक इस मद में 991 करोड़ रुपये की राशि प्राप्त हुई है तथा इस वर्ष भारत सरकार द्वारा 200 करोड़ रुपये और देने का प्रावधान किया गया है, जिसे नितिन नवीन ने गृह मंत्री अमित शाह से इस राशि को बढ़ाने का अनुरोध किया है और 582 करोड़ की राशि का अनुरोध किया गया है। उन्होंने बताया कि गृह मंत्री ने इंडो नेपाल के रोड में 4 लेन एवं इसका वर्ष 582 करोड़ की राशि देने के अनुरोध पर सकारात्मक विचार करने का आश्वासन दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर सासाराम से है, जहां सदर अस्पताल के परिसर में स्थित GNM कॉलेज के छात्रावास में शॉर्ट सर्किट से अचानक आग लग गई है। देखते ही देखते आग सभी कमरों तक फैल गई। बताया जाता है कि आग की लपटों से छात्रावास में रह रही छात्राएं घबराकर बाहर भाग आईं। बाद में इसकी सूचना फायर ब्रिगेड को दे दी गई, जिसके बाद फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। छात्रावास के प्रचार श्रवण शर्मा ने बताया कि संभवतः आग शॉर्ट सर्किट से लगी है। छात्रावास में प्लाईवुड से सीलिंग का काम चल रहा है, जिसके कारण पहले सीलिंग में शॉर्ट सर्किट से आग लगी, फिर प्लाईवुड में और उसके बाद आग नीचे के टेबल पर फैलने लगी। लेकिन समय रहते फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पा लिया गया। इस प्रकार आग को फैलने से रोक दिया गया, लेकिन थोड़ी देर के लिए छात्रावास में रह रही छात्राएं भयभीत होकर चिल्लाने लगी। फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है और स्थिति सामान्य हो गई है। बिहार में तापमान का उतार चढ़ाव लगातार जारी है। मध्य प्रदेश और ओडिशा से बिहार तक जुड़ी ट्रफ रेखाओं की वजह से बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने इसे प्री मानसून का असर बताते हुए आने वाले 48 घंटे तक बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। इस दौरान राज्य के अन्य इलाकों में गरज और आकाशीय बिजली के साथ हल्की से मध्यम बारिश की भी चेतावनी दी है। हालांकि मौसम विभाग के अनुसार इस मौसम से गर्मी में कोई खास राहत नहीं होगी। अगले 2 से 3 दिनों में तापमान में एक बार फिर से 4 डिग्री तक बढ़ोतरी होगी। मौसम विभाग के अनुसार पूरे बिहार में पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी हवा की प्रवाह जारी है। हवा के प्रभाव की वजह से मौसम में बदलाव आ रहा है। कहीं हवा की रफ्तार काफी तेज हो रही है तो कहीं गर्मी से हालत खराब है। मौसम विभाग का कहना है कि पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी हवा के प्रभाव के साथ राज्य में 2 ट्रफ रेखाएं बनी हुई है, जिसका कारण बारिश का मौसम बना हुआ है। देश भर के 15 राज्यों में 57 सीटों पर चुनाव का ऐलान हो गया है। बिहार के 5 सीटों पर भी मतदान होंगे। चुनाव आयोग ने इसका ऐलान कर दिया है। आगामी 24 मई को इसका नोटिफिकेशन तो 31 मई तक नामांकन की तिथि तय की गई है। 3 जून तक नाम वापसी की जाएगी। वहीं 10 जून को इन सीटों पर मतदान होंगे। एक सीट पर मतदान 30 मई को होगा, जबकि बाकी 4 सीटों पर 10 जून को वोट डाले जाएंगे। चुनाव आयोग ने राज्यसभा की 57 सीटों पर वोटिंग के लिए बिगुल बजा दिया है। इनमें बिहार समेत 15 राज्यों में मतदान होंगे। बिहार से
5 सीटों का फैसला होना है। जदयू नेता और केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह, लालू राबड़ी की पुत्री मीसा भारती, भाजपा के दो बड़े नेता गोपाल नारायण सिंह और सतीश चंद्र दुबे इस साल 7 जुलाई को रिटायर हो जाएंगे। निर्वाचन आयोग ने पहले राज्यसभा के किंग महेंद्र सिंह की रिक्त सीट पर उपचुनाव कराने का कार्यक्रम जारी किया था। अब सभी सीटों के कार्यक्रम सामने आ गए हैं। बिहार में बीपीएससी की परीक्षा का पेपर लीक हो जाने के बाद अब अन्य परीक्षाओं को लेकर भी सख्ती बढ़ने लगी है। सीबीएसई ने 10वीं और 12वीं की परीक्षा को लेकर अब चौकसी तेज कर दी है। बोर्ड ने ऑब्जर्वर की संख्या बढ़ा दी है। वहीं प्रश्न पत्रों की सुरक्षा को अब और कड़ा कर दिया गया है। सीबीएसई की 10वीं और 12वीं के टर्म 2 की परीक्षा में ऑब्जर्वर की संख्या अब बढ़ा दी गई है। एक ऑब्जर्वर को अब पहले की तुलना में कम भार दिया गया है। पहले जहां एक ऑब्जर्वर को 5 से 6 स्कूल की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, वहीं अब उनके कंधे पर केवल 2 से 3 ही स्कूल की जिम्मेदारी दी गई है। परीक्षा के दौरान किसी भी तरह की गड़बड़ी नहीं होने के लिए उन्हें विशेष निर्देश भी दिए गए हैं। तो आज के सुर्खियों में बस इतना ही। बिहार से जुड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ ही साथ फेसबुक और इंस्टाग्राम में हमें फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।